अच्छा जब तक वो साथ थे तब तक वो राम थे। सही बात है। और जैसे छोड़ दिए वो रावण हो गए। जी। कोई भी लेडीज हो कोई भी मर्द हो, यदि लेडीज यदि नहीं चाहे कोई मर्द को छूना, और यदि मतलब कोई भी नहीं चाहे छूना तो कोई छू देगा क्या? नहीं नहीं। दो बच्चे के बाप है खेसारी लाल यादव, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता था। सही बात है। लेकिन आपको भी तो भाई पैसे चाहिए थे, तो एकदम बाहियात हैं वो। और दूसरा मैं कुछ नहीं सकता, ऑलरेडी जब शादी हो चुका है आप क्यों रिलेशन में गई? सही तो आपकी ही गलती है। आप भाई का चैनल है तो भाई के चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जैसे आप सब मुझे प्यार देते हैं, जैसे आप सब मुझे आशीर्वाद देते हैं, वैसे इस भाई को दीजिए और ढेर सारा इतना प्यार दे दीजिए कि फिर। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश श्रीवास्तव ऑफिशियल में। आज मैं ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हूँ किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पावर स्टार पवन सिंह के चहेते। और मीडिया में अगर जब भी किसी का नाम आता है सबसे पहले प्रियांशु सिंह का नाम आता है। तो भैया स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग भाई को देख रहे हैं इनको ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत ही अच्छा, आप कैसे हैं? जी बढ़िया भैया, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भैया। ये आज चल रहा है जो ये खेसारी लाल यादव जी का, काजल राघवानी ने बोला, इतने सारे अलग इतने आरोप लगाए हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक हीरोइन साथ रहती है तब तक आपका खूब बड़ाई करती है, खूब बड़ाई करेगी। लेकिन जैसे ही आपसे अलग होगी जी, उसके बाद इतना आपका बुराई कर देगी कि लोग आपको देखना नहीं चाहेंगे। उतने दिन आप कहाँ थी? बिल्कुल उतने दिन आप कहाँ थी? यदि आपको लोग तंग कर रहे थे, खेसारी जी तंग कर रहे थे जी, तो उतने दिन आप कहाँ थी? और जब तक मैं आपको बता दूँ कि कोई भी इंसान हो कोई भी लेडीज़ हो कोई भी मर्द हो, यदि लेडीज़ यदि नहीं चाहे कोई मर्द को छूना, और यदि मतलब कोई भी नहीं चाहे छूना तो कोई छू देगा क्या? नहीं नहीं। मतलब काजल राघवानी चाह देंगे कि हमको नहीं छूने देना है तो छू देगा कोई? कोई नहीं, कोई नहीं छू पाएगा जी, कोई भी नहीं। खेसारी लाल यादव ही नहीं, कोई भी नहीं छू सकता। लेकिन आप चाहें तभी तो हुआ है सब जी। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि अक्षरा सिंह के साथ उनका संबंध था, यामिनी सिंह के साथ था, और ये मोबाइल में फोटो ऐसी अश्लील रखते हैं सबकी हीरोइनों की, क्या कहिएगा? देखिए जब इनको पता ही था कि अक्षरा सिंह के साथ संबंध था, उनके साथ बहुत लोग लड़कियों के साथ न्यूड फोटो था, तो क्यों आप रिलेशन में आई? आपको रिलेशन में उस टाइम आना ही नहीं चाहिए था। आपको जब पता है कि अक्षरा सिंह के साथ ऑलरेडी उनका रिलेशन था, दो बच्चे के बाप हैं खेसारी लाल यादव, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता था। सही बात है। लेकिन आपको भी तो भाई पैसे चाहिए थे, आपको भी स्टारडम चाहिए था। स्टारडम के लिए आप सड़ गए खेसारी लाल यादव के पास। आज वही इंसान है कि आपका एक अलग नाम हुआ जी, जी एक अलग पहचान मिला, नहीं तो काजल राघवानी को कौन जानता था जी। ठीक है, आपने अपना पहचान अपने बदौलत बनाया है जी, लेकिन उसमें खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा योगदान है आपके ऊपर। अच्छा एक चीज़ समझना पड़ेगा जी, कि जब आपको ये चीज़ पता है कि खेसारी लाल यादव के ऑलरेडी शादी हो चुका है जी, ऑलरेडी जब शादी हो चुका है आप क्यों रिलेशन में गई? तो आपकी ही गलती है, आपकी ही गलती और किसी की गलती नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा कि इनकी ही गलती थी जी। और काजल राघवानी इतने दिन तक चुप क्यों थी? क्या उन्हें जब अब मूवी नहीं मिल रही है, पिक्चर नहीं मिल रही है, एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ने कहा था कि अगर आप डिफेंडर से टेम्पो में चली जाएंगी तो आपको काम कैसे मिलेगा, तो क्या इन सब के बाद अब काम नहीं मिल रहा है, तो क्या वो विवादों में आना चाहती हैं काम पाने के लिए या लाइमलाइट के लिए? काजल राघवानी भी खूब बदनाम कर रही हैं, खूब बदनाम कर रही है खेसारी लाल यादव को। अच्छा जब तक वो साथ थे तब तक वो राम थे। सही बात है। और जैसे छोड़ दिए वो रावण हो गए जी, जैसे छोड़ दिए तो उनका मतलब यही है कि वो रावण हो गए जी। अरे सब ये एकदम पब्लिसिटी है, और पब्लिसिटी पाने के लिए यहाँ पे लोग कुछ भी कर देगा, मुझे तो लगता है कुछ भी कर देता। अच्छा यहाँ पे जितनी हीरोइन है जी, देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो धीरे धीरे यहाँ की जितनी हीरोइन है, जितनी सारी हीरोइन है जी, जो मेढक होता है ना कि जब बरसात में मेढक टट 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 करने लगता है, वही हाल यहाँ की हीरोइनों का है जी। जी उस टाइम से कहाँ थी आप सब? पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन एक अब आ रही है सामने। सही बात। कि ये इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ ये किया जी। उस टाइम कहाँ थी आप लोग? उस टाइम बुद्धि नहीं था जी। उन्होंने एक चीज़ कहा पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह के बारे में काजल राघवानी ने कहा कि हमारे जो फिल्म होती थी उसमें कभी सीन को बदल दिया था, कभी भी सीन को बदल दिया जाता था। डायरेक्टर आता था, कहता था कि भाई किस सीन करना है जी, मेरे परिवार वाले क्या कहते हैं। जिस दिन काजल राघवानी ढोड़ी में उंगली करवा रही थी उस दिन परिवार वाले कहाँ थे? बिल्कुल सही बात है। उस दिन कहाँ थे परिवार वाले? सही बात। ढोड़ी में उंगली करवाने के टाइम में उस टाइम काजल राघवानी के परिवार वाले देख रहे थे। सही बात है। और आज परिवार वाले एकदम नहीं है जी, आज परिवार वाले पूरा देख रहे हैं, उस टाइम परिवार वाले नहीं थे जी। तो एकदम बाहियात हैं वो। और दूसरा मैं कुछ नहीं सकता, भोजपुरी है कि आपको रोजी रोटी मिल जा रहा नहीं तो इतना मोट हो के, इतना मतलब भैंस जैसा हो के काम मिलने वाली बहुत बड़ा चीज़।
दोस्तों ये रहे हमारे प्यारे चहेते भैया प्रियांशु सिंह जी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई का चैनल है तो भाई के चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जैसे आप सब मुझे प्यार देते हैं, जैसे आप सब मुझे आशीर्वाद देते हैं, वैसे इस भाई को दीजिए और ढेर सारा इतना प्यार दे दीजिए कि फिर, और मेरे वीडियो से, खासकर मेरे वीडियो से इतना प्यार दे दीजिए कि इनको लगे कि हाँ भाई प्यार मिल रहा है अब तो। बस यही कहेंगे। और हाँ, भोजपुरी के जितने दर्शक हैं, विवाद छोड़िए और अच्छे कामों को सपोर्ट करिए, क्योंकि विवाद यहाँ हमेशा होना ही है। तो आप सब अच्छे कामों को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।